फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीष की दुनिया नंबर वन। जैसा कि दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। आज हम उड़ाने वाले हैं पतंग। तो फ्रेंड्स, ये पतंग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और तो हम अपनी पतंग को तैयार करते हैं और बादलों में उड़ाते हैं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पतंग को उड़ाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने कुछ पतंगे यहाँ पर ले ली हैं और ये कलरफुल पतंगे हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, 3-4 मैं इन्हीं में से एक पतंग को अभी आसमानों में उड़ाकर देखूंगा और किस तरह से हमारी पतंग उड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस पतंग के कन्ने बांध लेता हूँ। तो कन्ने बांधने के लिए हमको सबसे पहले पतंग में छेद करने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से इसमें छेद कर लेता हूँ और उसके बाद कन्ने बांधकर हम अपनी पतंग को उड़ाएंगे आसमान में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ी सी डोर ले ली है, इसको सद्दी बोलते हैं। तो ये मैंने ले ली है थोड़ी सी और इससे मैं इस पतंग में कन्ने बांधता हूँ। तो काफ़ी सही, आज मौसम भी अच्छा है और हवा भी चल रही है काफ़ी। तो उड़ाते हैं पतंग और देखते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को और भी पतंग के वीडियोस बनाकर दिखाऊंगा कि कटी हुई पतंग को कैसे लपेटते हैं और दूसरों की पतंग कैसे काटते हैं, ये सब भी मैं बताऊंगा। तो आज तो बस मैं एक पतंग उड़ाकर ट्राई कर रहा हूँ। तो देखेंगे, अभी काफ़ी पतंगे यहाँ पर उड़ रही हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है अच्छी। तो जब जब हवा अच्छी चलती है तो हमारे यहाँ पर काफ़ी पतंगे उड़ती हैं। तो आज मैंने सोचा मैं भी उड़ाऊँ। तो मैं कन्ने बांधकर कंप्लीट कर लेता हूँ इसको। बाकी मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है जो काफ़ी दिनों पहले मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने एक पतंग बनाई थी बहुत बड़ी सी और उसको भी उड़ाकर दिखाया था आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, इस पतंग के कन्ने हो गए हैं कंप्लीट और मैंने सिंपल कन्ने बांधे हैं। अभी किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को कन्ने बांधकर दिखाऊंगा, 2-3 तरीके से कन्ने बांधे जाते हैं। जो पतंगे आसमानी उड़ाई जाती हैं उसमें कन्ने किस तरीके से बांधते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हमारे पतंग का कन्ना बंद कर हो गया है कंप्लीट और अब हम इसको उड़ाएंगे अभी। तो हवा तेज चल रही है तो मैं इस पर थोड़ी सी टेपिंग कर देता हूँ ताकि हमारी पतंग उड़ते हुए पे फटे ना। तो मैं कुछ टेप के टुकड़े काट लेता हूँ। तो ये मैंने टेप के टुकड़े ले लिए हैं और मैं पतंग पर टेपिंग कर देता हूँ अच्छे से ताकि तेज हवा में भी पतंग जाए हमारी, तो पतंग उड़ते पे फटे ना। तो इसलिए टेपिंग करना ज़रूरी होता है। तो मैंने थोड़ी सी टेपिंग कर दी है इसमें ताकि हमारी पतंग अच्छे से उड़ती रहे। तो मैं थोड़ा सा टेप कन्ने के पास से लगाए देता हूँ ताकि खींचने में पतंग बिल्कुल ना फटे और अच्छे से हमारी खिंचाई भी हो सके। तो ये हमारी पतंग हो गई है बन के कंप्लीट। अब हम फ्रेंड्स इस पतंग को आसमानों में उड़ाते हैं। तो ये मैंने चरखी पे मंजा लगा लिया है और अब हम इस पतंग को उड़ाएंगे। तो हवा काफ़ी अच्छी चल रही है फ्रेंड्स और हमारी पतंग देखिए उड़ने में रेडी हो गई है। और ये देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ती हुई जा रही है। और मैंने मंजा लगा लिया है, काफ़ी सारा मंजा लगा लिया है ताकि अगर पेच लड़ाना पड़े तो मैं पेच भी लड़ाऊँ
और ये देखिए किस तरीके से मेरी पतंग काफी दूर पहुंच गई है। अभी मेरे हाथ पे मांझा ही चल रहा है। तो ये देखिए पतंग कितनी अच्छी उड़ रही है, और यहाँ पर ये देखिए और भी पतंगे उड़ रही हैं। तो मैं भी अपनी पतंग वहाँ पर ले गया हूँ, और ये दूसरी पतंग जो है ये पेच लड़ाने की कोशिश कर रही है मुझसे। तो चलिए देखते हैं पेच होता है या नहीं, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो आज मौसम बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, और हवा बहुत अच्छी चल रही है, और मैं आप लोगों को और भी पतंग के वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। और सबसे मेन चीज़ होती है पतंग के कन्ने बांधना, तो फ्रेंड्स मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से अपने पतंग के कन्ने बांध सके, जैसे कि हवा चलती है उसी अनुसार। तो काफ़ी सारी पतंगे और उड़ने लगी यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड्स। और हमारी पतंग काफ़ी दूरी पे पहुँच चुकी है, जो कि अभी बहुत, ये देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हम आगे आप लोगों को पेच लड़ाना भी बताएंगे कि किस तरीके से पेच लड़ाए जाते हैं, कौन सा मंजा यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो हम बनाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए पतंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।